अगर किसी भी महिला या पुरुष को अचानक चक्कर आ जाते हो, चक्कर चाहे थकान की वजह से हो, गर्मी की वजह से हो, या किसी भी कारण से चक्कर आ जाए, जमीन पर गिर जाए, तो आपकी रसोई में ही इसका उपचार है। बिल्कुल छोटा सा उपचार है, बस छोटे छोटे जो फार्मूले हैं हमें पता होने चाहिए, ताकि हम अपने घर के अंदर ही इन बीमारियों को ठीक कर सके और हमें डॉक्टर के पास भागने की जरूरत ना पड़े। क्योंकि हर समय डॉक्टर उपलब्ध नहीं रहता, आपका डॉक्टर से आपका घर काफ़ी दूर होता है, तो जो रसोई के छोटे छोटे नुस्खे हैं, फार्मूले हैं, वो हमें याद होने चाहिए, हमें पता होना चाहिए। जो हमारी बुजुर्ग दादी थी, नानी थी, दादा थे, उनको सभी को पता होता था कि हमारी रसोई में छोटे छोटे ये हींग है, ये धनिया है, ये मेथी है, ये क्या क्या काम आती है। तो ये रसोई पैथी है। पहले अच्छा चलन था, लेकिन हम आधुनिकता के युग में इन चीज़ों को भूलते जा रहे हैं। तो साथियों, टॉपिक था अगर किसी भी महिला को चक्कर आ जाए, थकान की वजह से, गर्मी की वजह, किसी भी वजह से चक्कर आ जाए, सिर में दर्द हो जाए, तो उसके लिए करना क्या है। 1 गिलास गर्म दूध, ज़्यादा गर्म भी नहीं होना चाहिए, हल्का सा, इतना गर्म होना चाहिए कि हम सिप सिप करके पी सकें। दूध गाय का भी चलेगा, भैंस का भी चलेगा, जो भी आपके पास अवेलेबल हो वो ले लीजिए। 1 गिलास दूध और 1 छोटा चम्मच शुद्ध देसी घी उस दूध के अंदर मिला लीजिए। 1 छोटा चम्मच सट्टा मिश्री का पाउडर या सट्टा मिश्री 1 चम्मच उसके अंदर मिला लीजिए। अच्छे से घोल करके उस दूध को पीना है, सिप सिप करके। 1 गिलास दूध को लगभग लगभग 3 से 4 मिनट में पीना है, जल्दी जल्दी नहीं पीना है, धीरे धीरे सिप सिप करके पीना है। अगर आप 3-4 दिन इस प्रयोग को कर लेते हो, तो आपकी जो दिमाग की कमजोरी है वो भी ठीक हो जाएगी, दिमाग की खुश्की है वो भी ठीक हो जाएगी, गर्मी आपको ज़्यादा लगती है, थकान रहती है, चक्कर चक्कर आते हैं, और चक्कर किसी भी वजह से आते हो, तो वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इस फार्मूले से आप प्रयोग करके देखें, बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट इसमें मिल रहे हैं। तो आप भी इसको अपनाइए और अपने चक्कर की प्रॉब्लम को बिल्कुल ठीक कर लीजिए, और इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ये फार्मूला हर घर तक पहुंच सके। जय आयुर्वेद, जय धन्वंतरी।